बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डू वाइल लूप का, और लेक्चर हमारा 18 चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। इस सारे जितने भी लेक्चर वगैरह अपलोड हुए हैं, इन सारों में मैंने एक ही कोशिश की है कि जो भी कोडिंग की जाए वो एक तो ऑनलाइन रहे आपके सामने सामने, दूसरा ये है कि मैं किसी बुक को यूज़ ना करूं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा कि गुजारी बात है स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मसले मसाइल किस वक्त आते हैं कि जब वो उन्हें कोई परफॉर्म करके ना दिखाए, जब परफॉर्म करके ना दिखाया जाए उनके सामने, तो फिर जारी बात है उनके लिए तो मसले मसाइल इसी तरह से रहने हैं कि कोई समझ नहीं आएगी कि ये चलो सही है सुन लिया, लूप होता है फलां लूप होता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आया इनको परफॉर्म करना है तो फिर इनमें एरर आते हैं या मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आएँ तो वो किस तरह सॉल्व करनी। तो मेरा ज़्यादा फोकस यही रहा है कि थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाया जाए, जो बंदा ये चीज़ें परफॉर्म करनी शुरू कर देगा तो मेरा ख्याल है कि आगे उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ये वाइल लूप है लास्ट लेक्चर का ही, तो मैं इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करवा देता हूँ और उसके बाद हम इसी में अल्ट्रेशन करके देखते हैं, ठीक है। माइनर सी अल्ट्रेशन, कंट्रोल F9, आप देखें कि 1 से लेके तो 5 तक इसने प्रिंट कर दिया। रिपीट भी मैं कर देता हूँ इसको, इंटीजर i की वैल्यू है, यहाँ पे आके इनिशलाइज कर दिया गया है 1 के साथ, और कहाँ तक चलेगा 5 तक, और परसेंटेज d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और जो भी वैल्यू होगी i में वो प्रिंट करता जाएगा, जबकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि एक एक का इजाफा करता जाएगा और ये चीज़ प्रिंटिंग में आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसको अगर इंक्रीज़ करना चाहूँ कि मैं कहता हूँ जी 1 की बजाय 5 की बजाय 10 तक चले, तो ये 10 तक भी चल सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। दोनों लूप जो हैं कंडीशनल लूप कहलाते हैं, क्योंकि तीसरा लूप जो है वो काउंटर कंट्रोल है। आप सिर्फ टेक्स्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अपनी मर्जी है कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं कहता हूँ जी ABC कुछ लिख दें, ठीक है। तो आप देखें कि 1 2 3 सारों के साथ ABC लिखा हुआ, आपकी मर्जी है कि आप कोई टैक्स लिखना चाहें या कोई और चीज़ लिखना चाहें तो वो भी लिखी जा सकती है, कंट्री नेम लिखना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं। मैंने वही पहले लिखने लगा था बस, ठीक हो गया। तो आप देखें कि ये चीज़ सारी प्रिंटिंग में आ गई। अब मैं कहता हूँ जी इसी चीज़ को कंटिन्यू हमने करना है, तो डू वाइल में क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको सिंटैक्स को ना इस खुला खुला कर दूँ। अब देखें कि हमारे पास जो वाइल लूप का एरिया है वो इतना का है, ठीक है। ऊपर इनिशियलाइजेशन है, ये वाला प्रोसेस ये जो अनसेलेक्टेड है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन है, उसके बाद डायरेक्टली ये कंडीशन पार्ट आ जाता है, बॉडी आ जाती। अब डू वाइल में क्या करना होता है, डू वाइल में करना होता है कि आपने यहाँ से इसको कट कर लेना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है, और ये वाइल लूप है जिसके एंड पे सेमी कॉलन आ जाता है, और इसका नाम तो डू वाइल था तो बॉडी के स्टार्ट पे डू आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने कोई सेंटिक्स में फर्दर चेंज नहीं की, मास्वाय ये डू एक नया लिखा है और वाइल को उठा के एंड पे कर दिया और इसके एंड पे सेमी कॉलन, इस वजह से कि लूप की बॉडी इधर आके क्लोज हो जाती है, इसके फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। रन करके देखते हैं, 100% वही आउटपुट आएगी, 1 से 10 तक है। और अगर मैं साथ कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ लाइक ABC, तो आप देखें कि 100% वही प्रिंट कराती हुई नज़र आएगी। अब ये एक चीज़ है कि वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क हुआ, ठीक है। इनके दोनों ही कंडीशनल लूप हैं, दोनों काम कर रहे हैं। असल में ये है कि वाइल में अगर पहली अटेम्प्ट में भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता, जबकि डू वाइल में अगर कंडीशन फेल हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कहाँ तक चलना था, 10 तक चलना है, 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर जैसे ही उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मज़ीद नहीं चलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ इसको पहले 11 कर देता हूँ, तो आप देखें कि ये फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा,
लेकिन वन टाइम वो बताएगा मुझे कि इसकी अलाइनमेंट सिर्फ आ गई। किस वजह से? क्योंकि पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर ऐसा होता है कि लूप एग्जीक्यूट होता है, जिसकी वजह से ऐसा है कि कंडीशन लेट चेक होती है, बॉडी पहले आ जाती है। जबकि वायल के अंदर क्या है कि बॉडी पहले आ जाती है, सॉरी कंडीशन पहले आ जाती है और बॉडी बाद में आती है। तो कंडीशन जब तक ट्रू ना हो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि बॉडी में एंट्री की इजाज़त मिल जाए। तो इस वजह से ऐसा है कि ये वन टाइम लाजमन एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। इसको मज़ीद इसमें थोड़े बहुत कहने के चेंजिंग वगैरह करके देखते हैं। मैं कहता हूँ जी इसको भी ऐसा किया जाए कि जैसे 1 से 30 तक कर लेते हैं और तमाम 1, 3, 5 इनके सारे ऐसी चीज़ें, वो हमने लास्ट टाइम भी इंक्रीमेंट के थ्रू कंट्रोल किए थे, इस दफ़ा भी ऐसा ही करते हैं कि आई किसके इक्वल है, i+2 के। तो दो दो का इंक्रीमेंट होगा तो तमाम ताकदाद आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 up to 29। बड़ा आसान सा काम है कि इन्हीं को जुफ्त तादाद में चेंज करने के लिए तो आप 2 लगाते हैं, तो ये 2, 4, 6, 7 ये इनके आपका इवन आर्ड अगर बनाना हो तो आप इसी तरह इनके जुफ्त तक आप दोनों काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने उसमें फॉर वाले में भी टेबल बिल्ड करके दिखाया, वाइल वाले में भी दिखाया, इसमें भी अगेन ऐसा कर देते हैं कि एक टेबल वाला काम भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सारे लूपों के साथ एक जैसे काम भी किए जा सकते हैं काफ़ी हद तक। मासा ये है कि डू वाइल जो है वो रॉन्ग कंडीशन पे एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाता है। देखते हैं इसको, मैं अगेन वो आउटपुट लिखता हूँ ताकि 2 × 1 = 2 के, ठीक है जी। ये जब आउटपुट लिखी हो तो आप देखोगे कि इससे आपका इजी हो जाता है कि हमने पहली रो के अंदर क्या करना है, 2, 2, 2, 2 इस तरह अप टू 10 तक प्रिंट करें। फिर दूसरी रो में क्या करेगा, पहले देखते हैं, 1 by 1 उनको लेके चलता हूँ। इसको दोबारा से 1 कर देते हैं, एक का इंक्रीमेंट। इस तरह से भी किया जा सकता है, प्लस प्लस भी किया जा सकता है, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी टेबल किसका बनाना है, टेबल बनाना है हमने कॉमा इधर कर लें और t = 2 के। अभी तक मैं इसके साथ इनपुट लेके नहीं चल रहा ताकि वो ज़्यादा परेशानी का बायस ना बने, लेकिन बाद में इसकी एक्सरसाइज जैसे करेंगे तो उसमें हम लाजमन लाजमन ये वाला काम करेंगे कि इनपुट के साथ भी ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो 2t आ गया, तो मैं कहता हूँ जी पहले तो इसने क्या प्रिंट करना था, 2, 2, तो यहाँ पे तो t आ गया, %d Ctrl F9, तो सारी लाइन जो है वो किसकी आ जानी चाहिए, 2, 2। इसके बाद स्टेरिक का एरिया आ गया, तो मैंने कहा था स्टेरिक स्टेरिक के आप लिखेंगे तो ये आपका ये चीज़ आ जाएगी। अब 1, 2, 3 किस में है, वो i में। जारी बात है i में पहली वैल्यू 1 होती है, फिर कंडीशन चेक होकर आती है, फिर इसमें 2 हो जाता है, 3, 4, 5 up to 10 तक। तो इसका मतलब है कि इसके बाद हमने क्या प्रिंट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए %d, और यहाँ पे लिस्ट जैसे ही एक से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कॉमे के साथ सेपरेशन आ जाएगी। Ctrl F9 दोबारा करके देखते हैं तो आप देखें 2 × 1, 2, 3, 4 up to 10 तक आ गया। इसके बाद हम दोबारा से कॉमा करते हैं, तो अब क्या होना है कि ज़री बात है मैं इसको ये फिर से देखें, ये 2, 1 × आगे इक्वल का साइन आ जाएगा, तो इक्वल का साइन हमने सिर्फ इधर इक्वल का साइन लगा दें, ठीक है जी। अब 2, 1 और फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2, 2, 2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4। तो ये 2, 4 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन भी वही लगा हुआ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है %t, और यहाँ पे अब इसके अंदर सेपरेशन के बाद t × i कर लें या i × t कर लें, बात एक ही है। Ctrl F9 करते हैं तो आप देखें टेबल बिल्ड हो गया। थोड़ा सा स्प्रेड करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। एक और एस्केप सीक्वेंस है \t, ये मैं \t इधर लगा दूँ, इसके बाद \t
हर एक के बाद बैक स्लैश टी, जरूरत कतन नहीं है, ऐसे ही बस आउटपुट को थोड़ा सा मैंने कहा चेंज करके भी दिखाऊं। ठीक हो गया, हर एक में वो बैक स्लैश टी की वजह से स्पेस आ गई। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ कि कतन किसी किस्म के नहीं, कोई बैक स्लैश टी की ज़रूरत नहीं थी। तो आप देखें नॉर्मल वही चीज़ आ गई जो हमें चाहिए थी। अब इसमें लूप के अंदर जारी बात है बार बार टेक्स रिपीट किया जा सकता है, कोई फार्मूले हों तो वो अप्लाई किए जा सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस चीज़ को बिल्ड करना चाह रहे हैं या किस किस तरीके से लूप को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब हमारे इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप क्या चीज़ होती है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा आ जाएगा। ये मैंने शॉर्ट से ही बिल्ड किया, कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि फॉर और वाइल की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी थी तो मैंने कहा डू वाइल में बस थोड़ी सी सेंटिक्स की चेंज आती है। दोबारा से देख लें, आई किसके इक्वल है, इनिशियलाइज वैल्यू लाजमन, डू जो है कीवर्ड है, बॉडी में आएगा, इंक्रीमेंट करेगा और फिर कंडीशन चेक कर लेगा। कंडीशन अगर ट्रू हुई दोबारा वापस चला जाएगा और पूरी बॉडी को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर इधर आएगा, इंक्रीमेंट करेगा और फिर कंडीशन, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो गेट सी एच पे आके रुक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में फिर बात होती है नेस्टेड लूप पे। इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़।